पड़ेगा। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं लातेहार की भी। तो लातेहार में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। सीआरपीएफ और पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में बूढ़ा पहाड़ पर तबाही का सामान बरामद किया गया। सुरक्षा बलों ने 200 से ज्यादा आईडी बम के अलावा बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए हैं। एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। बूढ़ा पहाड़ पर मिला तबाही का सामान, 200 से ज्यादा आईडी बम बरामद, हथियारों का जखीरा भी बरामद। लातेहार पुलिस ने बूढ़ा पहाड़ पर नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। बूढ़ा पहाड़ को नक्सल मुक्त करने के बाद अब सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की ओर से छुपा कर रखे गए तबाही के सामान को बरामद किया है। सुरक्षा बलों ने 200 से ज्यादा आईडी बम, 41 हैंड ग्रेनेड के साथ ही भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। ऑपरेशन ऑक्टोपस के दौरान सुरक्षा बलों को ये कामयाबी मिली है। ऑक्टोपस चल रहा है 28 तारीख से और अभी चल ही रहा है, उसी के क्रम में ये हथियारों की बरामदगी हुई। करीब अभी 10 के आसपास जो कम्प्लीटली फंक्शनल हथियार है, करीब 950 के आसपास अलग अलग वेपन्स के एम्युनिशंस हैं और हैंड ग्रेनेड्स हैं, UVGL हैं और दूरबीन है, वॉकी टॉकी है, तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि मिली है। हमें लगता है कि इससे जो बूढ़ा पहाड़ में पहले से क्रियाशील दस्ता है उसको एक बड़ा झटका लगा है और हम लोग इस ये जो हमारा ऑक्टोपस 20 है, ये विशेष अभियान चलाया गया जिसमें ये हमें उपलब्धि मिली, तो ये अभी जारी रहेगा। वो सब वैकेंसी जो प्रोहिबिटेड है और जिनका मिलना ही अपने आप में बहुत सफलता का उद्घोष करता है कि हमारे जवान कैसे अपनी जान की परवाह न करते हुए किस प्रकार से जो है इसको अंजाम दे रहे हैं। तबाही का सामान बरामद, बूढ़ा पहाड़ पर नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों का बंकर ध्वस्त, 213 पीस आईईडी और 41 हैंड ग्रेनेड बरामद, 18 राइफल और एक इंसास राइफल और मैगजीन बरामद, मैगजीन के साथ एक कार्बाइन भी मिला, 900 से ज्यादा पीस गोलियां बरामद। इसके अलावा भारी मात्रा में विस्फोटक, नक्सलियों के वर्दी सामान और दूरबीन भी मिली है। नक्सलियों की तबाही का यह सामान सुरक्षा बलों को टारगेट करने के लिए लगाया गया था, लेकिन ऑपरेशन ऑक्टोपस के दौरान पुलिस ने नक्सलियों के इस नापाक साजिश को नाकाम कर दिया और अब ऑलमोस्ट बूढ़ा पहाड़ नक्सल मुक्त हो चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेज के कैंप को स्टैब्लिश कर लिया गया है। उस एरिया के जितने गांव हैं, ग्रामीण वासी हैं, सभी राहत की सांस ले रहे हैं और उनमें भी विश्वास की भावना आ गई है कि हाँ, अब यहाँ पर प्रशासन या उसका शासन करा है और अब वो हमारे करीब आने लगे हैं। उनसे हमें खबरें मिलने लगी हैं, उनका साथ मिलने लगा है और जिसका नतीजा आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। बूढ़ा पहाड़ को नक्सल मुक्त करने के बाद सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद हैं। वही नक्सली बूढ़ा पहाड़ के बंकरों पर छुप कर रखे हथियारों और विस्फोटकों का इस्तेमाल दूसरे इलाकों में करने की कोशिश में है, लेकिन नक्सलियों की इस नापाक कोशिश की सूचना पुलिस को मिल गई, जिसके बाद कोबरा, सीआरपीएफ और जिला पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर न सिर्फ नक्सलियों के बंकर को ध्वस्त कर दिया बल्कि भारी मात्रा में आईईडी और विस्फोटक के साथ हथियारों के जखीरे को भी बरामद कर लिया। न्यूज 11 भारत के लिए लातेहार से अजीत की रिपोर्ट। तो देखिए, एक बड़ी खुशखबरी की बात थी और एक बड़ी कामयाबी की तरह था वो जब बूढ़ा पहाड़ को नक्सल मुक्त कराया गया था, लेकिन उस दौरान चूंकि जो उग्रवादी थे, जो माओवादी थे, वो पकड़ में नहीं आए थे, तो फिर ऐसे में उस ऑपरेशन को लेकर ये सोचा जा रहा था कि आखिर इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया लेकिन उसमें कामयाबी क्या मिली, आखिर अचीवमेंट क्या रहा। बस अचीवमेंट ये रहा कि वहां पर हेलीकॉप्टर उतार लिया हमने, अचीवमेंट यह रहा कि वहां पर सुरक्षा बल के जवान जहां पर जाने से भी बचना चाहते थे, सुरक्षा बल के जवानों ने वहां तिरंगा लहराया, डीजीपी पहुंचे। क्या इतना ही था बूढ़ा पहाड़ का वो ऑपरेशन? लेकिन उसके बाद, लेकिन इस मामले को छोड़ा नहीं गया। सुरक्षा बलों ने लगातार अपना हौसला बनाए रखा और उन्हें पता था कि बूढ़ा पहाड़ यू ही अभेद्य नहीं है, जहां पर इतने दिनों तक सुरक्षा बल के जवान नहीं जा पाते थे क्योंकि वहां पर जगह जगह लैंडमाइन बिछाए होते थे, जगह जगह पर उनके बहुत सारे सामान जो थे, विस्फोटक, हथियार, ये तमाम चीजें छुपा कर रखी जाती थी और उसका इस्तेमाल होता था जवानों पर। आखिर में वो हौसला काम आया और लगातार सुरक्षा बल के जवान सर्च ऑपरेशन में जुटे रहे। देखिए, वो कामयाबी भी मिल गई जिसका इंतजार था। भारी संख्या में आईईडी बम मिले हैं, हैंड ग्रेनेड भी मिले हैं और बहुत सारे हथियार और गोली बारूद भी मिले वहां पर,
और हम रुक करते हमारे सहयोगी अजीत का, उन्हीं से जानते हैं कि देखिए अजीत लगातार इस बात को हम सोच रहे थे, मतलब आम एक आम आदमी होने के नाते, हालांकि देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है सुरक्षा बलों के लिए, वो जान जोखिम में डालकर वैसे बूढ़ा पहाड़ को नक्सल मुक्त कराते, जहां पर जाने से पहले कोई हिम्मत नहीं करता था, एक वक्त ऐसा भी होता था सुरक्षा बल जो है वो कार्रवाई करने से भी बचना चाहते थे, कि उन्हें पता होता था कि बूढ़ा पहाड़ पर ऊपरी हिस्से में अगर वो रहेंगे तो फिर उनके लिए वहां पर पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सुरक्षा बलों ने हौसला बनाया, देखो अब कामयाबियां सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि सुरक्षा बलों ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया है। सुरक्षा बलों ने लातेहार के बूढ़ा पहाड़ में जो पनिया इलाके से बड़ी मात्रा में माओवादियों द्वारा छुपा कर रखे गए हथियारों का जखीरा को बरामद किया है। मेरी जानकारी के अनुसार एसपी अंजनी अंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि बूढ़ा पहाड़ के इलाकों में माओवादी भ्रमण करने वाले हैं और कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में है। माओवादी बूढ़ा पहाड़ में जो झारखंड पुलिस द्वारा जो कैंप बनाए गए हैं, तीसिया, नावाटोला, झाड़ू डेढ़ा इत्यादि जो पुलिस कैंप बनाए गए हैं बूढ़ा पहाड़ में, उसको ध्वस्त करने का मंसूबा माओवादियों का था, पर एसपी अंजनी अंजन ने एक स्पेशल ऑपरेशन बनाया, संयुक्त ऑपरेशन, जिसमें सीआरपीएफ, कोबरा, झारखंड पुलिस, एजी 08 आदि बटालियन उसमें शामिल हुए, जिन्होंने और यह बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियारों के जखीरा के साथ साथ काफी मात्रा में एआईडी बम बरामद किए हैं, जिसे डिफ्यूज भी किया गया। यह सुरक्षा बलों का अदम्य साहस थी जो बिना किसी नुकसान के माओवादियों के बंकर तक पहुंचे और बंकर को ही ध्वस्त किए, जबकि पूरी हथियार को भी जब्त किए। जी अजीत, जो सुरक्षा बल ने वो लगातार कार्रवाई में जुटे, क्या हाल फिलहाल में कोई ऐसी भी जानकारी कि कुछ नक्सली पकड़े गए वहां से नक्सल मुक्त हुआ है और ये कार्रवाई मतलब लगातार चल रही है? पहले भी बुलबुल नामक ऑपरेशन एसपी अंजनी अंजन के द्वारा चलाया गया था, बिल्कुल इस दौरान पुलिस को बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी मिली। कई नक्सली पुलिस के गोलियों का शिकार हुए और कई नक्सली आत्मसमर्पण भी किए और कई नक्सलियों ने जंगल पर अपना हथियार छोड़कर भागने पे मजबूर हो गए पुलिस के इन ऑपरेशनों पे। साथ ही बताना चाहेंगे कि लातेहार एसपी अंजनी अंजन और पलामू डीआईजी राजकुमार लकड़ा के एक सफल प्रयास का यह नतीजा है कि बिना सुरक्षा बलों के नुकसान के आज बूढ़ा पहाड़ पर, जहां पर माओवादियों का एक गढ़ माना जाता था, सेफ जोन माना जाता था, जहां पर वर्षों से सुरक्षा बल झारखंड पुलिस वहां ऑपरेशन चलाया करते थे और इतनी बड़ी बड़ी कामयाबी नहीं हुआ करती थी और कई घटना के भी शिकार हो जाया करते थे, आज इनके एक सफल संचालन का यह नतीजा है कि बूढ़ा पहाड़ पर तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है और कैंप बनाए गए हैं बूढ़ा पहाड़ पर। नक्सलियों का, माओवादियों का एक हौसला ध्वस्त हो चुका है और वह अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहे हैं। वहीं सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन, जगुआर, झारखंड पुलिस का मनोबल बढ़ा है। मैं बताना चाहूंगा, कोबरा के डीसी जितेंद्र कुमार, एसी हेमंत कुमार जसोदिया, सीआरपीएफ के एसी आजाद अहमद और पुलिस अवनि निरीक्षक मनोज मुर्मू, कैलाश बाड़ा, आनंद कुमार, ये आज के मुख्य इसको हीरो कह सकते हैं जो बिना किसी नुकसान के हथियारों का जखीरा। कोई भी उपलब्धियां या कामयाबियां वाली जानकारी पहुंचती सुरक्षा बलों की तो वो हम तक पहुंचाए ताकि हम दर्शकों को बताएं कि देखिए आप अगर चैन से सो रहे हैं, चैन से आप बैठे हो अपने गांव में, घर में, तो उसके पीछे सुरक्षा बल के जवानों की वो मेहनत है, वो हौसला है जिसके जरिए वो उस जगह पर पहुंचने जहां पर पहुंचना आपसे पहले तक दुष्कर होता था, लगभग नामुमकिन होता था, लेकिन जवानों का हौसला बना रहा, चाहे वो सीआरपीएफ के जवान हो जाए, जगुआर हो जाए, या कोबरा बटालियन के जवान हो जाए, या फिर स्थानीय पुलिस हो जाए, उनकी हिम्मत बढ़ी है और जाहिर सी बात है कोई भी अचीवमेंट वो पाने के लिए
तैयार हो चुके हैं। जब बूढ़ा पहाड़ को उन्होंने पर कब्जा कर लिया तो फिर अब कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं बचता जहां पर वो कार्रवाई ना कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, हमारे साथ जुड़े आप, नजरें आप बनाए रखेंगे इस पर। और लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।